तो मैंने देखी सास बहू और फ्लेमिंगो, और इस वेब सीरीज को देखने का मेरा सिर्फ एक रीजन था, और वो कि फ्लेमिंगो क्या है। पर बहुत जल्द पता चल जाता है कि फ्लेमिंगो एक ड्रग होता है। अब ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि ये वेब सीरीज है किस बारे में। तो बेसिकली ड्रग्स के ही बारे में वेब सीरीज है, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखाया गया है, बट कहानी को थोड़ा सा अलग पोर्ट्रे किया गया है। और यही है कि एक मिनिस्टर का बेटा जो ड्रग ले लेता है, उसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, और इसके वजह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मुंबई से एक ऑफिसर को रन पर भेजती है इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए, पता लगाने के लिए कौन कर रहा है। और ये रानी बा और उनकी जो बहू बेटियाँ और सारे मिलकर ये सब कर रहे होते हैं, बट उनके बेटों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन वो भी इस टाइम पे आते हैं जन्माष्टमी मनाने के लिए, और उन्हें भी बता दिया जाता है कि ये उनका प्रॉपर धंधा है। और फिर ये एक जंग शुरू कर दी जाती है कि कौन बनेगा बारिश, बट एंड तक आते आते भी इस चीज़ का खुलासा नहीं होता है। और आई थिंक सीज़न एक और सीज़न आएगा इसके पीछे, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई नया सीज़न नहीं वेट करना चाहते तो अवॉइड करो इसको। कुछ ऐसा नहीं है वेब सीरीज़ में जो मतलब कुछ ज़्यादा ही यूनिक या कुछ ऐसा बनाया गया है, बट हाँ ठीक ठाक वेब सीरीज़ है, टाइम पास करना है तो बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है। अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ यूनिक देखना है, तो अवॉइड करो। एंड नशुद्दीन शाह ने बहुत बढ़िया काम किया है, और मॉन्ग का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज़ पर सूट नहीं करता है, बट उन्होंने दीपक डोबरियाल ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड बहुत सारी ऑलमोस्ट कास्ट ने सही काम किया है। बट एक जो सीक्वेंस है फाइटिंग सीक्वेंस, उसमें बहुत सारे सीन कट करके दिखाए गए, शायद इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जिस तरीके से वो सोच रहे थे। और कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं जो ऑफिसर और दूसरे पुलिस ऑफिसर के बीच में जो बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं, बट बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वेब सीरीज ठीक ठाक है, उतनी कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर टाइम पास करने के लिए देखने तो देख सकते हो, और मूवी मेनिया की वीडियोस अब कंटिन्यूसली आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर इस तरह की वीडियोस देखनी है।